हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो क्या है? जो है अन्योन प्रेरण, या इसे ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में अन्योन प्रेरण गुणांक के नाम से पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, दो ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप में। एक होता है स्वप्रेरण गुणांक, जिसको हमने कल आपको शाम को करा दिया है। आज हम पढ़ रहे हैं अन्योन प्रेरण गुणांक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाला। देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, बल्कि समझ कर याद करें। तो समझ कर यहाँ पे याद कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। एक एक पॉइंट, ये इतना बड़ा परिभाषा है ना, यूं ही याद हो जाएगा। केवल आप समझने पे थोड़ी देर प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, अन्योन प्रेरण क्या है या अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, क्या होता है समझिएगा। दोनों का मतलब सिंपल सा कहे तो एक ही है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। समझते हैं अब इसको फिगर से। हम देखिए, अगर मैं इसको फिगर से समझाऊं तो समझिए। जैसे कि एक में यहां पे कुंडली ले लेता हूं, यहां पे मैंने एक कुंडली ले लिया कुछ इस प्रकार। थोड़ा सा फिगर में बना रहा हूं, तब तक आप वेट कर लीजिए। ये एक हमने यहां पे कुंडली लिया है, ये कुंडली है, इसमें हमने एक धारा नियंत्रक ये लगा दिया, ठीक है। इसमें हमने एक क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक लगा दिया है, और इसमें हमने एक कुंजी लगा दिया है, और इसमें हमने एक बैटरी या सेल लगा दिया है। तो ये आपका एक परिपथ तैयार हो गया, जिसमें हमने एक कुंडली लगाया है, एक ये धारा नियंत्रक है जिसे हम आर एच से प्रदर्शित करते हैं, और ये कुंजी है, ये सेल है, ठीक है। अब जस्ट इसके पास में ही, जस्ट हम इसी के पास में एक और यहाँ पे, हम यहाँ पे एक और कुंडली लेते हैं। जस्ट इसी के पास में हम एक और यहाँ पे कुंडली लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम कुछ नहीं, केवल यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे हमने फर्स्ट ये फिगर है, ये सेकेंड कुंडली है, ये पहला कुंडली है, ये दूसरा कुंडली है, बात समझ गए। अब देखिएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन मतलब अन्य किसी से प्रेरित होकर, इसका मतलब अन्योन मतलब क्या होता है, अन्य किसी से प्रेरित होकर। अन्योन प्रेरण का मतलब यह है अन्य किसी से, मतलब दूसरे से प्रेरित होकर करने वाला कोई भी काम। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे एक सेल है, तो इस सेल के द्वारा हम यहाँ पे धारा प्रवाहित करते हैं, और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे एक धारा नियंत्रक भी हमने लगाया है। तो ये धारा नियंत्रक क्या करेगा, धारा नियंत्रक की सहायता से ये जो विद्युत धारा है, इसके मान को अधिक या कम करेंगे, मतलब इसके मान में हम परिवर्तित करते रहेंगे। तो जब हम क्या करते हैं कि जब किसी कुंडली में ये धारा बह रहा है, और इस प्रति धारा नियंत्रक की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा के मान को कम या अधिक कर रहे हैं। तो जब कम या अधिक किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो कुंडली है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। क्या बात हमने कहा कि जब किसी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है, मतलब परिवर्तित मतलब कम या अधिक किया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरे कुंडली में भी, प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरे कुंडली में भी क्या होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इसमें एक धारा उत्पन्न होता है, और इसी धारा, मतलब जो धारा उत्पन्न होता है, इसी धारा को हम प्रेरित धारा भी कहते हैं,
प्रेरित धारा कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही, इस संपूर्ण जो घटना है, इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण कहते हैं। बात आपको समझ में आया? देखिए मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद कीजिए। इसलिए मैं कभी भी परिभाषा बस लिखता हूँ जिससे आपका टाइम बचे और मैं उतने देर समझाने पे फोकस करूँ जिससे आपको याद हो जाए। मैं आशा करता हूँ आप याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो एक बार और सुनिए, समझिए क्या प्रोसेस हुआ है, उसके बाद हम बताएंगे। हमने क्या किया, इससे धारा प्रोवाइड किया और प्रतिरोध धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम या अधिक किया। इसका मतलब कि धारा के मान में हमने परिवर्तन किया। तो ये कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इसके कारण चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसके पास रखा ये दूसरा कुंडली है, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कुंडली है ये इस वाले पास है, इसलिए ये प्रेरित हो गया। ठीक है, तो प्रेरित होने के कारण इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होगा, और इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चलेगा, कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि इसमें धारा बह रहा है? तो इसका सिंपल सी बात है, इसीलिए यहाँ पे धारा नियंत्रक एक लगाया गया जिससे पता चले ये जो सुई है ये कभी इधर उधर होने लगी, मतलब ये विक्षेपित होने लगा। ठीक है ना, तो विक्षेपित कब होगा, जब इसमें धारा बहेगी, तो इससे पता चल गया। इतनी बात समझ के अब आता है मेन मकसद हमारा परिभाषा का। परिभाषा याद कीजिए, आप कहेंगे ये प्रथम कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। तो हम कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इसमें एक धारा उत्पन्न होती है, और इस संपूर्ण घटना को ही अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। केवल इतनी ही बात है कि धारा उत्पन्न हो गई, तो धारा उत्पन्न होने की जो घटना है इसे अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण कहते हैं। बात समझ के ना, एक दो बार अगर एक बार सुनने से याद ना हो तो वीडियो को पीछे ले जाइए, मैंने इस फिगर से देखकर जो एक्सप्लेन किया है उसको दो तीन बार सुनेंगे याद हो जाएगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख भी लीजिए। हमने लिखा है जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, और इस संपूर्ण घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। बात समझ गए? तो देखिए एक बात मैं बता दूं, परिभाषा लिखने के बाद साइड में ये फिगर बनाना अनिवार्य है, बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है वो समानुपाती होता है परिवर्तन धारा के, जो धारा है, धारा प्रोवाइड किया जा रहा है उसके समानुपाती होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो फाई समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है एम, ये आई है तो आई हमने लिख दिया। यहाँ से केवल हम एम का मान निकाले तो एम इक्वल टू फाई बाई आई हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे एम क्या है, कोई एम आपसे पूछ दे तो ये आप कहेंगे कि ये है अन्योन प्रेरण गुणांक। क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक है। बात आप समझ गए, एम क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक। ये फाई क्या है? तो फाई है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। ये आई क्या है? विद्युत धारा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, एक अवकलन के रूप में भी फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए अवकलन के रूप में भी फॉर्मूला होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हम इतनी बात जानते हैं, फाई जो होता है इज इक्वल टू एम, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई होता है।
इतनी बात जानते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अच्छा दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमें पता है कि अवकलन में d बाई डी टी से कूड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो d बाई डी टी ये फाई है तो फाई हमने लिख दिया, इधर भी d बाई डी टी हो जाएगा, इधर क्या है, इधर है m इंटू आई, तो ये m इंटू आई हमने लिख दिया। अब जो नियतांक होता है यहाँ पे m नियतांक है, m नियतांक ही है ना यहाँ पे, तो वो m नियतांक जो होता है वो अवकलन से बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। हम इतनी बात जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर होता है वो E के बराबर होता है, E मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E हमने लिख दिया। और ये m बाहर निकल जाएगा तो m हो गया, और ये फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आई से गुणा कर लेगा तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा अवकलन के रूप में फॉर्मूला है। मैं ये कहूंगा कि परिभाषा लिखिएगा, साइड में ये फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद आपको यहां से गणना लिखकर और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, उसके बाद साइड में एक लकीर खींचिएगा, एक लाइन खींचना है आपको, फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको फुल 5 नंबर जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हमारा लक्ष्य है कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक है जो आपको रटना नहीं है समझ कर याद करना है, जैसे मान लेते हैं अन्योन प्रेरण ही नहीं समझ पा रहा है तो यूट्यूब पर लिखिए अन्योन प्रेरण ब्रदर सर, इस प्रकार टॉपिक को सर्च करके भी यूट्यूब पर आप हमसे डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फिजिक्स की केमिस्ट्री का सब एक सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर क्लिक करके अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर फ्री में जो भी PDF होंगे वो सब वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।